हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु एंड ये वीडियो है रिगार्डिंग नेक्स्ट वन मंथ आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी एंड ये आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो उसके नेक्स्ट कमिंग वन मंथ में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी। सो दिस लाइक अ टाइमलेस रीडिंग फॉर अपकमिंग वन मंथ, ठीक है। सो यू नो ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है एंड आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो, आपको राइट मैसेजेस मिले, राइट गाइडेंस मिले। सो यस, आई प्रे एंड होप फॉर दैट। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो। एंड सो यस, यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। एंड बहुत स्पेशल चीज़, मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ ऑन रिलेशनशिप्स, ज़ोडियक साइंस, न्यूमरोलॉजी, रिलेशनशिप टिप्स। ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग्स अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर ब्लॉग्स आप ज़रूर पढ़ें। सो आपको ना आई होप बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे वो, सो वो भी जाकर आप रीड आउट कर सकते हैं। सो यस, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, देख लेते क्या एनर्जीज दिख रही है आपके लिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। कमिंग नेक्स्ट वन मंथ क्या वाइब है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके पाइसेस, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है कि नो आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ एंड एनर्जी में। देखिए यहाँ पर पाइसेस थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो कि मैं नो जेन्युइनली अपने पार्टनर से बात करना चाहता या चाहती हूँ, कनेक्ट करना चाहता या चाहती हूँ, बट यू नो मेरे पार्टनर मुझ में उतना अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बातें कम कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ये टाइप की वाइब रह सकती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मे बी अपने काम में, अपनी दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं जिस वजह से वो आपको उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालो पाइसेस, गिव देम सम टाइम, अपने आप की क्लेंजिंग करें एंड अपने आप को डिस्ट्रेस करने की कोशिश करें। बिकॉज कई बार पार्टनर्स अगर आपसे थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं तो मे बी ये थोड़ा सा रिलेशनशिप के हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा रिलेशनशिप में तो एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है, एक दूसरे की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे को मिस करेंगे देन फिर से रिकनसाइल रिकनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डालें। बिकॉज आपके पार्टनर का कार्ड है न्यूट्रल कार्ड है, या तो वो अपने काम में बिजी हैं या बस ऐसे ही कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट मत करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो अगर आपके पार्टनर आपसे लेस कनेक्ट करते हैं नियर फ्यूचर में, ठीक है। बाकी मिड मंथ में आते आते अच्छा कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट यू नो आपके यहाँ से भी रिकन्सिलेशन होगा, आपके पार्टनर थोड़ा सा ओपन अप होंगे, आपसे बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे। थोड़े थोड़े पॉइंट पे ज़िद्दी रहेंगे, इतना जल्दी नहीं मानेंगे अगर कोई लड़ाई या कोई इश्यू है तो, बट लेट इट बी। तुरंत से वो फॉरगिवनेस के लिए ना कहें या तुरंत वो अपनी गलती ना माने या तुरंत चीज़ों को ना समझे, बट एटलीस्ट बातचीत शुरू हो जाए तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। सो डोंट वरी विद दैट। बट मिड मंथ में आते आते मुझे कम्युनिकेशन हीलिंग आप लोगों के लिए दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। यहाँ पर आगे अगर आप देख लो सो यहाँ पर अगेन द पेज ऑफ कप्स के कार्ड है, ठीक है। सॉरी, इट इज़ द नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है एंड यहाँ पर भी द थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। नाउ ये मैं आपको बता दूँ इसका क्या मतलब है। पहली चीज़ तो मिड मंथ से पाइसेस आपके रिलेशनशिप में हीलिंग, रिकवरी, रिकन्सिलेशन दिखता है। क्या होता है यहाँ पर, ये कार्ड बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मे बी उनके ऊपर बहुत लोगों की नज़र है, बहुत लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं एंड ही और शी इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कि भाई कहीं हमसे बातचीत करना छोड़कर किसी और से तो अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा शक, इनसिक्योरिटी हल्की फुल्की बनी रह सकती है एंड जेन्युइनली जहाँ तक देखा जा रहा है कि आपके पार्टनर के अगर कुछ नॉर्मल आपको ऐसे लगते हैं दोस्त हैं जहाँ पर ऐसे कनेक्शन या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये सिर्फ मैं 2% ऑफ पाइसेस के लिए कह रही हूँ। तो अगर लगता है इस टाइप की कोई इन्वॉल्वमेंट है या कोई आपको यू नो
रिलेशनशिप में डिस्टर्ब कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर आप थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हो, थोड़ा सा बातचीत उसके बारे में अपने पार्टनर से कर सकते हो। थोड़े से 2% लोगों के लिए मेरे को थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, मे बी चांसेस हो सकते हैं, बट उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पाइसेस राशि वालों के लिए मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर ज़रूर अट्रैक्टिव होंगे, जिनके ऊपर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दूसरों की नज़र होती है या उनके ऊपर ना लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, पॉसिबल हो सकता है, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनका फोकस उनके ऊपर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए आपके पार्टनर आप ही को यू नो आप ही के साथ कमिटेड हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, ये भी दिखता है। सो उस पर आप ट्रस्ट करें, भरोसा करें, पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखिएगा। जिन 2% की मैं बात करी उनके बारे में आप बातचीत कर सकते हो, जेन्युइन नहीं लगता है तो इतना एक्शन लो, नहीं तो मत लीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में है, सिर्फ स्टार्ट में कनेक्शन वीक होता हुआ दिख रहा है, बाकी मिड और एंड में रिलेशनशिप में भाई इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन, थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ना होता हुआ दिख रहा है। आगे एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर कार्ड आपको कह रहे हैं कि मूव। अब इस कार्ड का मीनिंग है ना दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन है कि नो आप और आपके पार्टनर दूसरे से कनेक्ट हो, हाथ आगे बढ़ाओ, हीलिंग हो जाएगी रिलेशनशिप में, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि हील एंड इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं बट या तो पार्टनर बात नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं एंड मूव ऑन होना पड़ रहा है। सो यहाँ पर मूव ऑन की अगर सिचुएशन हालात बने हुए हैं एंड 6 months हो गया, 1 year हो गया, देर इज़ नो सल्यूशन टू इट, 6 महीने या साल हो गए, तब मैं कहूँगी कि मूव ऑन कर सकते हैं। छोटी मोटी लड़ाई हुई तो भाई मैं कहूँगी अभी भी 1 महीना तो वेट किया ही जा सकता है। आपके लिए अगेन एंड अगेन कार्ड जा रहे हैं जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हील, अपने आप की हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर भी देखो क्लेंजिंग कार्ड्स में तो दिखे थे, आपने अपने आप को भी हील करना है। देखो ये जो इंसेंस स्टिक्स चल रही है, दिस इज़ दी क्लेंजिंग एनर्जी, तो आपने अपने आप को भी क्लेंज करना है, अपनी ऑरा को भी क्लेंजिंग करना है एंड अपने घर को भी। क्लेंजिंग मीन सिंपल होता है कि भाई पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, घर में जो भी भगवान को आप मानते हो धुआं करें। कई बार यू नो घर में नेगेटिविटी हो जाती है, हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिव सोच सोच के स्ट्रेस ले लेकर ब्लॉक से नेगेटिविटी हो जाती है, तो उस टाइप की हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। सिंपल होती है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड बैलेंस, यू नो बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, दोनों पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, ट्रस्ट करना होगा, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर रखनी होगी, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट एंड वैल्यू करनी होगी, तभी ही रिलेशनशिप स्टेबल हो पाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि नो आप ही ज़्यादा एफर्ट लेते रहते हो, पार्टनर नहीं लेता है, सो येस, फिर आपको थोड़ा सा पॉज करना होगा, अपने पार्टनर को रियलाइज़ एंड अंडरस्टैंड करवाना होगा, बट ये सब कुछ प्यार से, मोहब्बत से, पेशेंस से। क्योंकि देखो जैसे आपके पार्टनर की मेरे को एनर्जीज़ दिख रही हैं, तीनों कार्ड जैसे कि आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी तो हैं, थोड़े से यू नो इगोइस्टिक भी हैं, थोड़ा सा गुस्से में आके ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, फिर यू नो अपनी गलती जल्दी मानते भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी तो हैं। सो यहाँ पर उसी तरीके से आपको टैकल एंड हैंडल करना होगा, तो वो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आएगी। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर कमिटेड भी दिख रहे हैं, प्यार भी करते हैं, बट उनका नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि भाई जल्दी बात नहीं मानते हैं। सो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे को दिख रही हैं पाइसेस, बट अदरवाइज देर इज़ रिकन्सिलेशन, हीलिंग, बैलेंस हो पाए। और आपको काम और रिलेशनशिप को भी बैलेंस रखना होगा, अगर आप अपने रिलेशनशिप की वजह से काम को मत बिगाड़िए, काम की वजह से रिलेशनशिप को मत बिगाड़िए, ये भी बैलेंस रिक्वायर्ड होगा दोनों पार्टीज़ में, ठीक है। सो ये कुछ मुझे आपके लिए एनर्जीज एंड मैसेजेस दिखे हैं पाइसेस, अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो सो मच।